Thank you.
रुको प्लीज, अभी शराब मत पियो। बहुत सारी बातें करना चाहते थे। बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हो? उठो उठो, मेरे पास आओ और मेरी आंखों में झांक कर देखो। ये भी तुम्हारी तरह प्यासी है। मैं शादी करना चाहता हूं। डोम हूं ना, बचपन से यह काम पसंद नहीं था मुझे, छोड़ना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने कहा डोम का काम कौन करेगा। फिर क्या हुआ? बाप मर गया, फिर वही मुर्दे जलाने का काम, वही लाश। तो तुमने शादी क्यों नहीं की? वो भी तुम्हारी तरह। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पागल पागल, फिर वही शादी, वही बच्चा, मेरा बच्चा भी लाश जलाने का काम करेगा, वो भी मेरे जैसा रोएगा। मुर्दा जलाना समाज का काम है, और तुम्हें पैसे भी तो मिलते हैं। मगर इज्जत नहीं मिलती, सब डोम कहकर पुकारते हैं, डोम इधर आ, डोम इधर आ।
डरो मत, मैंने सब सुन लिया है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए। मेरा नाम दुर्गा देवी है। ये मेरी पोती रूपाली है, हॉस्टल में पढ़ती थी, गांव आई, अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया HIV पॉजिटिव है और इसने खुदकुशी कर ली। जब कोई लड़की कुंवारी मर जाती है तो उसकी शादी कुश से कर दी जाती है ताकि उसका अगला जन्म नारायण शाप से शापित न हो और उसकी पैदाइश किसी अच्छे कुल में हो। मैं भी यही कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ ये शादी तुम करो। तुम भी तो यही चाहते हो। मगर मैं तो तुम इंसान हो, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। मगर आपने तो इसे पानी में फेंक दिया था। नहीं, जलदाग नहीं दिया था। समाज के डर से परिवार के लोगों ने इसे फेंक दिया। ये सब उसका करिश्मा है बेटा। इसके सगे ने इसे फेंक दिया और तुम उठा लाए। बेटा, शादी की रस्म शुरू करें। जब शादी के बारे में गांव वालों को पता चला तो गांव से ही निकाल दिए। चलो अच्छा हुआ, मुर्दा जलाने के काम से छुटकारा मिल गया। अब समय भी नजदीक आ रहा है,
ये सोच के अच्छा लग रहा है कि मैं शादीशुदा हूं। अगले जन्म में मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी।